प्रोटियम, प्रोटियम किसे कहा जाता है? आमतौर पर प्रोटियम जो है ये एक आइसोटोप्स का नाम, यानी कि जैसा कि प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, इसी तरह ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो होते हैं इसी तरह वहाँ पर, यानी कि इस क्या है उसका कोई, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट है, इसी वजह से जो हाइड्रोजन उसका प्रोटियम हो गए। सो इसको क्या मामूली हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसके मरकज़ में एक प्रोटान होता है वहाँ पर, यानी कि इसके मरकज़ में क्या होता है, सिर्फ एक ही एक प्रोटान होता है। और इसके पहले शेल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका एटमी नंबर एक और कीमती नंबर भी एक होता है। यानी एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? किसी एटम के और उसके जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद या उसके प्रोटॉनों की तादाद को उसका क्या कहा जाता है? उसका एटॉमिक नंबर। यानी किसी एटम के अंदर चाहे एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर उसका एक है। उसके अंदर अगर चे 50 इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर 50 है। अगर उसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे, एक एटम के अंदर अगर उसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर एक है। चाहे इनके प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम ही रहती है, जितने यानी कि प्रोटॉन एक एटम के अंदर, यानी कि जितने प्रोटॉन होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होती है, राइट। सो इसी तरह एक एटम के यानी कि 120 इलेक्ट्रॉन होगा तो मास नंबर ही 120। सो उसका यानी कि जो 130 अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पाए जाते तो उसका एटॉमिक नंबर इतना होगा। सो इसी तरह, लेकिन जो उसका मास नंबर डिपेंड करता है उसके न्यूट्रॉन पर, मास नंबर यानी कि उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और वगैरह इन तत्व, और उसके न्यूट्रॉनों को और उसके प्रोटॉन इनको मिलाकर वो उसका क्या है? मास नंबर। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उसका भी वजन है, उसी तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के तादाद को मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं? एक एटम का मास। इसी तरह हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, उसका एटॉमिक नंबर एक है, लेकिन मास नंबर क्या है? उसका न्यूट्रॉन डिफरेंट है। एक न्यूट्रॉन पहले जो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरा जो है यानी कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और ड्यूट्रियम में एक ही न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में दो न्यूट्रॉन है। सिंपल, यह है अबाउट प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।